हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर मेरे पास कुछ पैरेट फिशेज हैं, ये सारे फिशेज में फाइट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग कैसे अपने एक पैरेट फिश का जो अग्रेशन है उसको कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग कम्प्लीटली एक पैरेट फिश का अग्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मिलाने वाला हर वीडियो अपडेट मिलता रहा। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो फिश होती है, इसको बहुत सारे सिकलेट फिशेस के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया, तो इसलिए सिकलेट फिशेस, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है, वैसी ही पैरेट फिशेस के अंदर में भी ये जो अग्रेशन है वो लोग को वैसी हेरिटेज में मिला है। ये जो फिश होती है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है। अगर आप इसको छोटे से टैंक में बहुत सारी फिशेस को अगर रखिएगा, तो आप डेफिनेटली देखिएगा ये जो फिशेस है उसमें बहुत ज्यादा फाइट होगा। इसलिए इस फिश का स्ट्रेस को कम करने के लिए, इस फिश का फाइट को कम करने के लिए सबसे बेस्ट होता है ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस। अगर आप कोई भी टैंक सेटअप कर रहे हैं अपने पैरेट फिशेस के लिए, तो उसमें ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस दीजिए। अब बात आता है हाइडिंग प्लेसेस में हम क्या क्या दे सकते हैं। हाइडिंग प्लेसेस में ये सारे फिशों को सबसे ज्यादा पसंद है रॉक्स। आप बहुत सारा केव वगैरह बिल्ड कर सकते हैं, ढेर सारा केव बिल्ड कीजिए। जितना ज्यादा आपकी फिश है उतना ज्यादा केव वगैरह बिल्ड कीजिए। केव वगैरह बिल्ड करने से क्या होगा, ये सारी फिशेस वो सारी केव में हाइड करेगी, वो सारा केव को अपना एक घर बनाएगी, और ऐसे करने की वजह से भी आपकी जो फिश है उसका अग्रेशन जो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। पैरेट फिशेज नॉर्मली क्या होता है, इन लोग अपने एक एरिया होता है। अगर आप एक छोटे से टैंक में बहुत सारी पैरेट फिशेज रखिएगा, तो क्या होगा, डेफिनेटली ये जो पैरेट फिश है वो सोचेगी, जो अल्फा है जो सबसे स्ट्रांग है वो सोचेगी ये मेरा एरिया है, वो उसको क्या करेगी, अपना एरिया बनाने की कोशिश करेगी, और उस एरिया में जितनी भी छोटी पैरेट फिशेज है उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेगी, बुली करेगी और उन लोगों को मारने की कोशिश करेगी। इसलिए हमेशा अगर एक हाइडिंग प्लेसेस एक टैंक पे रहेगा, ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस रहेगा पैरेट फिशेस सिकलेट फिशेस के लिए, तब आप देखिएगा उन लोग में जो फाइट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर फाइट होगा भी तो वो सारी पैरेट फिशेस को एक स्पेस मिल जाएगा, अपना एक टाइम मिल जाएगा, अपना एक घर मिल जाएगा, जहां पर वो लोग छुप के अपने आप को रिवाइव कर सकती है। इसलिए पैरेट फिश के टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट आता है, अगर आपके पास एक छोटा टैंक है तो क्या मैं एक पैरेट फिश रख सकता हूँ, दो पैरेट फिश रख सकता हूँ, कितना पैरेट फिशेज रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, एक छोटा टैंक है, 3 फीट का टैंक है, 4 फीट का टैंक है, तब आप वहां पर पैरेट फिशेज रख सकते हैं। लेकिन वही अगर आपके पास एक 2 फीट का टैंक है और आप चाह रहे कुछ पैरेट फिशेज डालने का, स्टार्टिंग के टाइम पे वो लोग ठीक रहेगी मे बी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो लोग में जो फाइट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग को फिर अपना एक सही स्पेस नहीं मिलेगा, और स्पेस नहीं मिलने की वजह से जो भी कमजोर फिश है उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा, बुली किया जाएगा, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका पैरेट फिश जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास एक 2 फीट का टैंक है तो मैक्सिमम आप सिर्फ एक ही पैरेट फिश बाय कीजिए, एक पैरेट फिश बाय कीजिएगा, तो आप ये सारा झमेला से बच जाइएगा। झमेला क्या, अगर आप 2 पैरेट फिश डालिएगा हर दिन, आज देखिएगा फाइट हो रहा है, कल देखिएगा फाइट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है अगर आप छोटे टैंक में बहुत सारे फिशेज रखिएगा पैरेट फिश तो। इसलिए ये सारा प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक 2 फीट का टैंक है आप एक ही पैरेट फिश डालिए, वो पैरेट फिश बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, लगभग 1 फीट तक भी चली जाती है कभी कभी कोई केस में, अगर आप बहुत अच्छा फीड में दीजिएगा तो। अगर आप उसको अपने एक टैंक पे रखिएगा, धीरे धीरे करके वो जब बड़ी होगी तब आप देखिएगा वो जो टैंक है आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। वो टैंक में धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होगी तो वो आप देखिएगा हमेशा स्टोन वगैरह को एक साइड से लेके दूसरे साइड ड्रॉप करेगी, प्लांट्स वगैरह को इधर पुल आउट करेगी, ये करेगी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाता है अगर आपने एक टैंक पे एक पैरेट फिश रखिएगा। वैसे ही अगर एक पैरेट फिश एक टैंक में रखिएगा तो उससे भी आपको जो लोड है पानी चेंज करने का, आपका फिल्ट्रेशन वगैरह में, इस सब में भी आपका लोड जो है बहुत ज्यादा घट जाएगा। लेकिन वही अगर एक 2 फीट के टैंक में 10 पैरेट फिश डाल दीजिएगा तो पानी का जो क्वालिटी वो भी बहुत ज्यादा तेजी से खराब होगा, बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ वो 2 फीट के टैंक में एक पैरेट फिश उतना सारा पैरेट फिश तो नहीं रह पाएगी। इसलिए अगर आपके पास एक 2 फीट का टैंक है और आपको बहुत ज्यादा मन है एक पैरेट फिश लेने का, तो आप मैक्सिमम एक ही पैरेट फिश लीजिए और उसको धीरे धीरे उस पर ही ग्रो कीजिए। अगर आपके पास एक बड़ा टैंक है 4 फीट का, 5 फीट का, 3 फीट का, तब आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा पैरेट फिशेस बाय कर सकते हैं। तब आप मैक्सिमम एक 3 फीट के टैंक में 3 पैरेट फिश मैक्सिमम बाय कीजिए, जो कि उसमें बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी, उससे ज्यादा करने से मे भी हो सकता है बहुत ज्यादा फाइट हो जाए। इसलिए 3 फीट के टैंक में मेरा सजेशन यही है, 3 पैरेट फिशेस बाय कीजिए, ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगाइए। 3 फीट के टैंक में सबको इनफ स्पेस मिलेगा, सबको इनफ हाइडिंग प्लेसेस मिलेगा जिसपे वो लोग हैप्पीली रह पाएंगे। वैसे ही करके धीरे धीरे आप जितना भी
टैंक बड़ा कर रहे हैं, आपका टैंक जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा आप पैरेट फिशेज उसमें धीरे धीरे करके ऐड कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बस यही चीज ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा हाइडिंग प्लेसेस होना चाहिए। जितना ज्यादा हाइडिंग प्लेसेस होगा फिशेज को उसमें छिपने का अगर ज्यादा जगह मिलेगा तो इससे पैरेट फिशेज में जो फाइट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब बहुत लोग ऐसा कमेंट आता है, मेरे टैंक तो 3 फीट का है, मेरे 3 फीट के टैंक में 6 पैरेट फिश है, 7 पैरेट फिश है। तो पैरेट फिश का जो बिहेवियर है उसको आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे पास भी आप जैसे पुराने अगर मेरे व्यूअर्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा मेरे इस वाले टैंक में बहुत सारा पैरेट फिशेस था, शॉर्ट बॉडीज था, शेवरम्स वगैरह था। तो वो क्या, जब वो लोग छोटा था तब वो लोग ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग बड़ा होते गया वो लोग अपना एक जगह जब चाहिए था तब वो लोग क्या हुआ, एक दूसरे में बहुत ज्यादा फाइट होने लगा। किसी का कभी एक आंख गायब हो जाता था, कोई फिश को कभी मारते मारते एकदम पूरा फिन्स गायब कर देता था, बहुत ज्यादा परेशानी आने लगा। इसलिए अभी अगर आप मेरे टैंक में देखिए सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट बॉडी हॉर्न है और उसके बाद और कोई भी फिशेज में इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मैं भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत दिन तक मेरा सही था, 5-6 महीना तक सही था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके फाइट होना स्टार्ट हो गया। इसलिए अगर आप पैरेट फिशेज बाय करके लाइएगा मे भी हो सकता है पहला दूसरा तीसरा महीना तो कोई भी फाइट ना हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद फिर वो लोग में फाइट होना स्टार्ट हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, और उसके बाद बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है कि आज इस फिश को अलग करो फिर उस फिश को अलग करो, नहीं तो वरना वो पूरा मार के खत्म ही कर देगा उसको, बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक नंबर सजेस्ट करूँ, इस नंबर के हिसाब से अगर आप पैरेट फिशेज रखिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाता है एक छोटा टैंक। हम लोग बहुत सारे न्यू हॉबीज जो होते हैं बहुत ही छोटा टैंक बाय करते हैं, छोटे टैंक में बहुत ज्यादा हम लोग फिशेज नहीं डाल के रख सकते, हम लोग का वेट भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगर आप एक कस्टम मेड बना रहे हैं तो आप मे भी बहुत बड़ा विड्थ वाला बना सकते हैं, हाइट वाला बना सकते हैं, लेंथ वाला बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो न्यू हॉबिस्ट होते हैं वो कस्टम मेड नहीं बनाते, एक एक्वेरियम शॉप पे जाके उनके पास जो रहता है वही लेते हैं। तो वो क्या होता है, 3 फीट का रहता है, 1 फीट का चौड़ा रहता है और 1.5 से 2 फीट का आपका हाइट का रहता है। तो उस टैंक पे ढेर सारा पैरेट फिशेज रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कस्टम मेड बना रहे अगर विड्थ वगैरह भी बहुत ज्यादा है तब आप बहुत सारा पैरेट फिशेज ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज था एक टैंक के बारे में। टैंक सेटअप भी आप जो भी कर रहे हो बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने से फिशेज में जो फाइट है बहुत ज्यादा कम रहेगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है, अगर आप एक टैंक में पैरेट फिशेज बाय कर रहे हैं तो ज्यादा मेल पैरेट फिशेज बाय मत कीजिएगा, क्योंकि मेल पैरेट फिश बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है। मेल पैरेट फिश बाय कीजिएगा तो मेल पैरेट फिश में बहुत ज्यादा फाइट रहेगा। इस फाइट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मेल पैरेट फिश बाय कीजिए, उसके साथ में बहुत सारा फीमेल्स ऐड कर दीजिए। फीमेल्स ऐड कर दीजिएगा तो मेल का जो फाइट है अग्रेशन है वो बहुत ज्यादा घट जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैरेट फिश में मेल रखिएगा तो मेल में डेफिनेटली जितना भी मेल्स है सारे मेल्स में फाइट होगा। इसलिए टैंक में कम मेल्स रखिएगा, कम से कम मेल रखिएगा, उसके साथ ही साथ टैंक को बड़ा रखिएगा, टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस रखिएगा, सही से सबको फूडिंग दीजिएगा। फूडिंग सही से नहीं मिलेगा तो उससे भी फिशेज में बहुत ज्यादा अग्रेशन बढ़ जाता है। सही से टाइम टू टाइम अगर वो लोग का पेट भरा रहेगा तो उससे भी वो लोग अग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। सो फ्रेंड्स मैं बहुत सारा टिप्स पॉसिबल टिप्स जितना भी था सारा ही बता दिया। होप करता हूँ ये जो भी टिप्स था आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपका अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह नहीं हुआ है, या फिर अगर आप मेरा से कुछ पॉइंट अगर छूट गया है, आपको लगता है ये पॉइंट जो ये भी बहुत अच्छा वर्क किया था मेरे टैंक पे, तो वो सारा पॉइंट्स को भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सारा चीज दूसरे हॉबीज को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।